बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते मुस्कुराते रहे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो हाजिर हुए हैं शाम के व्लॉग में, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स कर दें। तो अभी जो है मैं बनाने लगी हूँ तकिए। ये देखिए, ये हमारी दुल्हन के तकिए हैं। और वो रहा क्या बोलते हैं इसे, रूं जो है मैं इन तकियों में भर रही हूँ। तो भर के जो है इसे फिर सीऊंगी जी। अब जो अम्मी तकियों में पा रही है, हाँ जी, रूं जो है इसके अंदर मैं भर रही हूँ, तकिए बना रही हूँ। अम्मी से सी रही है, हाँ जी, रूम जो है मैंने इसमें भर लिया है। तो अब इसे सिलाई कर रही हूँ जी। मैं दूसरा, हाँ जी, एक पहला जो है मैंने भर लिया है, अब दूसरा जो है भरने लगी है। हाँ जी। ये देखें जी, अलिशबा वदी है। अलिशबा, अलिशबा क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? लाटू खेल रही हो? कहाँ से ले आई है? जेली कहाँ से लेकर आई है? दुकान से। अच्छा, तो ये क्या है आतिफ? अनार लग रहा है। हाँ जी, ये देखिए अनार का फूल लगा हुआ है और ये छोटी सी बूटी जो है अनार की, फूल भी लगा हुआ है। हाँ, ये देखें, ये लगा हुआ है। ये गुलाब के फूल, ये दूसरे फूल हैं। हैदर अली नहा रहा है, देखो हैदर अली नहा रहा है, ठंडा ठंडा हो रहा है। हैदर अली नहाओ, पानी डालो सर के ऊपर, पानी डालो। हाँ, क्या ओए, ठंडा पानी, ठंडा पानी। बख्तावर जो है हैदर अली को नहा रही है, नहला रही है। ये देखें सारा पानी इधर, ये देखें कितना सारा पानी नीचे गिरा दिया है। तो जी, तकिए जो है मैंने भर दिए हैं रूह से। तो अभी जो है मैं जो दोपहर को चीज़ें लेने गई थी बाज़ार, वो तो दिखा नहीं सकी। तो अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो वीडियो पूरी देखनी है, स्किप बिल्कुल नहीं करनी। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं बाज़ार से क्या क्या लेके आई हूँ। ये अभी जो है मैं सामान बाहर लेके आई हूँ, पहले कमरे के अंदर रखा हुआ था। तो आपको दिखाती हूँ, पहले जो है आप दिखाऊंगी ये वाली, ये क्या है? ये है वो नहीं होती जो पीतें बनी होती है, पता नहीं क्या बनी होती है, छोटी छोटी सी शीशे की कौलियाँ। छह हैं, चार और ये दो, छह और एक बड़ा प्याला, इसे बोलते हैं दूध सेट, जिसमें खीर नहीं बना के डालते हैं, रखते हैं दूध भी, और कस्टर्ड सेट है ये। हाँ, असल में जी ये वही है कस्टर्ड वाला। ये हमें नाम ही नहीं आता, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, हम तो इसे प्याले वो दूसरे कहते हैं, शीशे के प्याले। जी, तो अभी जो है मैं दिखा रही हूँ कपड़े, तो दिखाऊंगी किन किन के लेके आई हूँ। ये
आपने बताना है ये किसका है जी। हाँ जी, ये कमेंट्स में बताना है कि ये किसका है, तो बाद में मैं बताऊंगी कि ये किसका है। ये आ गया इस्लामुद्दीन। इस्लामुद्दीन के लिए लेके आई हूँ, तो सब बोलते हैं कि ये इस्लामुद्दीन से बड़ा है, तो अभी इस्लामुद्दीन है नहीं यहाँ पर, तो घर जब जाऊंगी तो उसे पहना के देखूंगी बड़ा है या छोटा, तो फिर बदली कर दूंगी। और ये इनकी पैंट, अब ये आ गया मेरा हैदर अली का, ये ऊपर वाली शर्ट, और ये रही इनकी पैंट, और ये नीचे वाली बनैन। हैदर अली का तो बहुत प्यारा है। हाँ, हैदर अली और नूर मोहम्मद का बिल्कुल एक ही जैसा है, सेम। ये रहा है नूर मोहम्मद का, ये बुनैन, और ये उनकी शलवार, और ये इनकी ऊपर वाली शर्ट। तो ये हो गए इनके। और ये रहा मेरा ब्रेक लगा। तो पहले जो है अजाने हो रही थी, तो इसीलिए हमने ब्रेक लगा दी, तो अब जो है मैं दिखाने लगी हूँ अपना सूट। जी, इसकी कढ़ाई चेक करें कितनी प्यारी है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरा जो है सूट कैसा लगा, और कलर भी कैसा है। ये कमीज, और ये इनकी शलवार, और ये इनका दुपट्टा। ये पीको मैंने खुद करवाई है, ये पहले बनी हुई नहीं थी। और आखिर में आ गया है हमारी जो दुल्हन है उनका सूट। ये रहा कमीज, तो ये दुल्हन को जो है मैं दे रही हूँ। हमारे में रिवाज है जो अपने भतीजी हो भांजी हो उसे देते हैं, तो इसीलिए मैं एक सूट और एक सेट, वो कस्टर्ड सेट होता जी, है तो वही दे रही हूँ। वो कमीज़ हो गया, और ये इनकी शलवार, ये इनके हैं बाजू, और ये इनका दुपट्टा। ये इसकी पीको पहले से थी ऐसे ही? हाँ जी, ये पहले बनी हुई थी साथ ही। तो ये बताने हैं कि ये सब जो है हमारी शॉपिंग कैसी लगी आपको। और एक और भी चीज़ है, ये रही मेरा जूता, ये मैंने अपने लिए लिया है। तो और क्या रहता है बख्तावर? हाँ, ये बख्तावर की चीज़ें जो बख्तावर खुद लेके आई है, खुद पसंद की है और खुद ही लिए हैं। ये होगी हैं पोनिया, और ये बख्तावर के कांटे, और ये कचरियाँ, और ये वाले, इसे तो हम कड़ा बोलते हैं, पता नहीं इसे उर्दू में क्या बोलते हैं। हेयर बैंड होता है ये। हाँ जी, हेयर बैंड। तभी जो चूड़ियाँ वगैरह और बख्तावर की जूते हैं नूर मोहम्मद के, तो वो अभी जो है नहीं लिए, वो बाद में हम ले लेंगे। तो अभी जो है यही सामान लेके आई हूँ, तो अभी जो है मैं सामान पैक करती हूँ, तो फिर जा रही हूँ मैं अपने घर, तो वहीं पर मिलेंगे।
अभी लेते हैं ब्रेक। तो जी ये देखिए हमारी दुल्हन का सामान, ये तकिए और ये जो होती है दरियां, ये रही, इसे तो हम तड्डी बोलते हैं, पता नहीं आप उर्दू में इसे क्या बोलते हैं। और ये रहे सेट, वो जो कमरे के होते हैं सफील के ऊपर रखे होते हैं, ये भी तकिया है। और ये जो दुल्हन के ससुराल वाले कल दिए थे सेट पहनने वाला, हार कांटे बिंदिया, और वो रहे बर्तन। और ये रहे सूट जो दुल्हन के ससुराल वाले से आए हैं। तो अभी से ऐसे ओपन करके दिखा नहीं सकती मैं, क्योंकि मेरा एक हाथ है, तो एक हाथ से मैंने ये ढक्कन पकड़ा हुआ है, तो इसीलिए आपको कभी वेले टाइम आपको दिखाऊंगी अगर टाइम लगा तो, नहीं तो फिर ये अपने ससुराल चले जाएंगे सब चीज़ें दुल्हन के साथ साथ। यहाँ पर जो है जीशान खड़ा हुआ है। हाँ जी जीशान, क्या हो रहा है? वीडियो अपलोड किया है तो 1% बैटरी रह गई थी, मोबाइल बंद हो गया था। अच्छा, चार्ज पे लगाया हुआ है और उसको जो है ना टाइटल वगैरह बोला। अच्छा, तो माशाल्लाह आज तो बड़े सूट शूट बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, तो ये गिफ्ट आए थे? हाँ जी, गिफ्ट आए थे। माशाल्लाह, तो फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, ये मुझे मुबारक नहीं थे जिन्होंने भेजा है। हाँ, वो भी तो माशाल्लाह देखती हैं, उनको भी मैं दे रही हूँ, नहीं उसे मुबारकबाद नहीं, उसे शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं, तो मुबारकबाद आपको मैं देती हूँ क्योंकि आपने सूट पहना हुआ है। तो जी हमारे तकिए जो है तैयार हो गए हैं, ये देखें, ये दो सूट तकिए जो है कढ़ाई वाले, और ये हैं चार तकिए। ये दूसरे जो सेट बने होते हैं ना, मिलते हैं वो पलंग के, कमरे की कालीन, ये वही होते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ दुल्हन की रजाइयाँ भी, तो ये रही रजाइयाँ। अभी इनके ऊपर जो कपड़ा होता है वो अभी नहीं चढ़ाया है ना। हाँ, वो शनील वाला जो होता है ना, इसके ऊपर जो है हम चढ़ाएंगे। तो अभी इसे अंदर के इसकी जो होती है ना, वो क्या कहते हैं उसे, गोज होती है पता नहीं क्या होती है, उसमें हमने पूर भरा हुआ है। बाकी का सेट ये है, पलंग की चादर है और चार पाइयों की है, और अंदर कमरे की जो नीचे बिछाई जाती है कालीन, ये वही है ना भाभी? हाँ, तो अभी आप वहीं पर अपने कमरे में सजाएगी हमारी दुल्हन। यहाँ पे जो है हमारी सब्जी काटी जा रही है, तो आज जो है हमने धो के काटा है। अब नहीं कहना कि आपने धोई नहीं है, क्योंकि मैंने दिखाया नहीं धोई, जब धो रहे थे तो मैं दूसरे काम में मसरूफ थी तो इसलिए नहीं दिखा सकी। तो अभी जो है हम धो के अच्छी तरीके फिर काट रहे हैं, और हैदर अली भी साथ बैठ के खेल रहा है। हैदर अली, नहा लिया? ठंडे हो गए? और अब्बू भी मेरे अब्बू भी साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो मैं ग्रेंड कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ मैं। अभी जो हमारा गैस नहीं आया तो अभी इसीलिए इंतजार कर रहे हैं हांडी बनाने का। जो मैं धोने जा रही हूँ सब तूरी, तो इसे धो के फिर बनाएंगे। सारा सामान तो मैंने इकट्ठा कर लिया है, अभी गैस आया नहीं, तो जैसे ही गैस आएगा तो फिर बनाएंगे। तो अभी इसे मैं धो रही हूँ, धो के बाद में आपको दिखाती हूँ। इसे जो मैंने अब धो लिया है, ये देखें पानी भी नीचे जा रहा है। चूल्हा जो है हमारा जल चुका है, अब रख रही हूँ इसके ऊपर देचकी, ये देखें देचकी जो है मैंने ऊपर रख दी है। तो अब जैसे ही गर्म होती है तो इसमें हम घी डाल देंगे। हमारी देचकी जो है गर्म हो गई है, तो अभी मैं घी डाल रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से जो है नहीं डाला जाता, तो डाल के जो है बाद में दिखाती हूँ। हमारा घी जो है गरम हो गया है, तो अभी डाल रही हूँ मैं इसमें मसाला। ये देखें, ये रहा हमारा मसाला।
अभी जो है हरी मिर्चे डाल रही हूँ, क्योंकि धो के मैंने यहाँ पर रख दी थी पहले। जो है मैं डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो इसमें जो है साबुत तूरी जो है मैंने डाल दी है, तो ये देखें तो अच्छी तरीके जो है इसे मैंने मिक्स कर दिया है। तो अब इसे ढक्कन बंद करके खड़ा रही हूँ। तो जी हमारा सालन जो है हो गया है तैयार, ये देखें। तो अभी ये देखें हमारा सालन तैयार हो गया है, हमारी वीडियो भी मुकम्मल हो गई है। तो जी आज का व्लॉग हो गया है हमारा पूरा, तो मिलेंगे सुबह के व्लॉग में। तब तक के लिए हमें दे इजाजत, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।